दोस्त देखते हैं या कोई भी ऐसा, इवन मेरे फैंस जब वो देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता कि मिराल सारा ऐसे भी कर सकती है. मुझे, मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि मेरे लिए बहुत अलग है ये चीज़, मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे मिराल करने में भी बहुत. टॉकिंग अबाउट द कास्ट, हनी आपकी सच अ वेटरन एक्टर, उनका तो कैरेक्टर खत्म हो गया. लास्ट एपिसोड में आपकी इंटरेक्शन हुई मावरा हुसैन के साथ, आपने उनको, उनके कैरेक्टर को थप्पड़ी मार दिया, तो कास्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में कुछ शेयर करें. स्पेशली वो थप्पड़ वाला सीन जो था पिछले एपिसोड में, वो कोई ऑकवर्ड तो नहीं हुआ? थप्पड़ असल में आपने मारा या हल्का था? नहीं, मैं बहुत डरी हुई थी वो सीन करने से पहले. मैंने बहुत कोशिश की कि थप्पड़ निकल जाए सीन से. मैंने शहजाद भाई को कहा कि प्लीज खुदा के लिए थप्पड़ निकाल दे, मुझसे नहीं होगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, थप्पड़ नहीं लगेगा तो हाइप नहीं क्रिएट होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. तो फिर खैर, थप्पड़ मारने से पहले मैंने 2-3 दफा प्रैक्टिस की. मैंने कहा मावरा प्लीज खुद को बचा लेना, गलती से मेरा हाथ में लग जाए, बिकॉज मुझे फुल फोर्स के साथ आना था कि वो लगे कि असली में मैंने थप्पड़ मारा है. तो मैंने एक दो दफा मावरा के साथ हमने वो सीन किया और फिर एक शॉट में मावरा ने अपना हाथ थप्पड़ से पहले इधर आ गया, तो मावरा के हाथ पे मेरी वजह से बहुत जोर से लगी थी, जिसकी वजह से मुझे अगले 2 घंटे तक अफसोस हो रहा था कि मैंने, और मैंने मावरा से बहुत माफी भी मांगी उस शॉट के बाद, क्योंकि वो गलती से बहुत जोर से लग गया था उसके हाथ पे मावरा के. लेकिन शुक्र है कहीं और नहीं लगा. तो लेकिन इवेंचुअली जब आपने थप्पड़ मारा वो तो चेहरे पे लगा, तो वो कैसा था फिर? वो चीट तो नहीं किया आप लोगों ने? वो ऑब्वियसली असल थप्पड़ नहीं है. अच्छा, चीट किया आपने? वो हमने चीट किया है, वो असल थप्पड़ नहीं है. वो मावरा ने एक्ट ऐसे किया कि वो लगा कि वो असल में है, लेकिन वैसा था नहीं. और वो बहुत, वो टच भी नहीं हुआ आपकी शक्ल से, वो यहाँ से गुजर गया. चले, आप दोनों को क्रेडिट जाता है, आप दोनों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि देखने में वो बिल्कुल 100% जेन्युइन लगा. So, kudos to both of you, कि आप लोगों ने उसको इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और एग्जीक्यूट किया कि बिल्कुल भी ऑडियंस को समझ नहीं आई कि असल था या नहीं था. बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस मावरा के साथ काम करने का? यू गॉट न्यू कमर अमीर गिलानी जो आपके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उस्मान मुख्तार इज आल्सो देयर. हाउ वाज इट ऑन सेट? सेट पे सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो उस्मान के साथ आता था, ऑफ कोर्स, क्योंकि उस्मान मेरे काम में सबसे ज्यादा है. और उसके अलावा उस्मान जो है वो बहुत फनी है. उस्मान के ना मजाक भी खत्म होते, जोक्स भी खत्म होते. और मावरा के साथ भी बहुत चला था, मावरा बहुत प्रोफेशनल है. और अमीर गिलानी के साथ ऑफकोर्स मेरे भाई है, तो हमारी बहन भाई वाली काफी हमारी लड़ाइयाँ होती थी, सीन्स होते थे, तो सबके साथ बहुत अच्छा था. लेकिन उस्मान के साथ मुझे बहुत मजा आया. तो अब मूवी और अपने डैड के साथ. हाँ, आपके पेरेंट्स के साथ भी जो आपके, नहीं मतलब जो मिराल के सीन्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स हैं पेरेंट्स के साथ भी. जी, जो मेरे डैड हैं वो मेरे दोस्त हैं असल में, मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है सेट पे. और मैं और उन्होंने सबसे ज्यादा सेट पे मजे किए हैं, और सबसे ज्यादा रीटेक्स भी हम दोनों ही दिया करते थे. ना उन्हें लाइन याद होती थी, ना मुझे याद होती थी. नहीं, बट आपकी केमिस्ट्री जबरदस्त आई है आपके सारी को एक्टर्स के साथ. आई थिंक वो स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो अपनी कास्ट के साथ, तो इसी वजह से वो स्क्रीन के ऊपर एक, यू नो, जो कहते हैं चार चांद लग जाते हैं परफॉर्मेंसेस को. बट मूविंग ऑन, अभी तो हम बहुत अर्ली स्टेज में है सबात की, एंड ऑलरेडी एक हाइप बिल्ड होना शुरू हो गई है ड्रामे के इर्द गिर्द. यू नो, आई सपोज रेटिंग्स जब आई तो पिछले हफ्ते इट वॉज द हाइएस्ट रेटेड ड्रामा ऑल्सो, आई थिंक इन ऑल ऑफ पाकिस्तान, हाइएस्ट रेटेड ड्रामा इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट. बट ईदर वे रेटिंग्स बड़ी जबरदस्त आ रही है. जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपके देख रहा था एपिसोड के नीचे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है. ये भी एक बड़ी अनयूजुअल बात है, क्योंकि यूजुअली जब लोग कोई ड्रामा देखते हैं तो नेगेटिविटी, कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट्स तो आ ही जाते हैं. आपके कैरेक्टर की पर्टिकुलरली बहुत तारीफ हो रही है, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके रोल को, तो हाउ डज इट फील के 2-3 एपिसोड में ही एक इतनी हाइप क्रिएट हो गई है ड्रामे को, और आप एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई है, तो बाकी के लेट्स से 22-23-24-25 एपिसोड जितना भी ये चलेगा, कोई अब फील हो रहा है कि रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है कंधों के ऊपर? इतनी बड़ी बात मुझे ऐसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन जितना लोग अभी देख के उसे खुश हो रहे हैं ना, एक्साइटेड हो रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे उतनी ज्यादा कहानी में इतनी चीजें कि लोग कभी बोल रहे हो, इंशाल्लाह इतना ही अच्छा जाएगा. तो सारा, फिर आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे आगे? अभी
काफी सारे एपिसोड्स पड़े हुए हैं अभी तो, इट्स टू अर्ली टू से. क्या मिराल की जो हमने झलक देखी अभी 3 एपिसोड्स में, वेरी एरोगेंट, रूड, बदतमीज, ये कंटिन्यूएशन रहेगी या हम और पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स देखेंगे? देखिए, अब तक आप लोगों ने एक ही किस्म की मिराल देखी है कि जो बदतमीज है, और आपने फिर एक सीन देखा दादी नानी वाला जिसमें वो थोड़ा इमोशनल भी हो रही है कि मतलब मिराल के पास भी फीलिंग्स हैं, उसे भी कुछ हर्ट कर सकता है. लेकिन अब जब जैसे जैसे एपिसोड्स आगे जाएंगे आपको मिराल की शेड्स नजर आएंगे. अब तक मिराल का एक ही शेड देखा है हमने, जो अजीब सा है, बदतमीज औरत है. अब मिराल के शेड्स आते रहेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शेड्स हैं. जो मिराल एक वो इंसान है जो आम कोई इंसान खुद को उससे रिलेट नहीं कर सकता. मिराल की जो पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे अभी, वो मैं या आप नहीं हो सकते, वो कोई अलग ही मखलूक है. अच्छा, जब हम अभी तक जो हमने 3 एपिसोड्स देखी हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा इसके ऊपर, कि एक तरफ हम देख रहे हैं अनाया और एक तरफ हम देख रहे हैं मिराल, दोनों ही सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं और दोनों ने समझे कि अपने कंधों के ऊपर ड्रामे को उठा के और लेके चल रहे हैं. सो फार हम ये देख रहे हैं कि अनाया बीइंग द गुड गर्ल एंड मिराल बीइंग द नेगेटिव कैरेक्टर. क्या आप मिराल को एक एंटेगनिस्ट या एक विलन के कैरेक्टर में डिफाइन करेंगी, कि आउट एंड आउट विलनिस एक रोल है एज अपोज टू अनाया जो कि कह लें कि यू नो द गुड गर्ल और द हीरो ऑफ द स्टोरी है, इज दैट सो? मुझे लगता है कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है. आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, कोई तीसरा होगा वो अलग होगा, तो हमें लगता है कि कोई हमसे अलग है तो वो बुरा है. उसमें जो मुझे बुरा लगता है वो जरूरी नहीं है आपको भी बुरा लगे. तो मिराल सिर्फ अलग है, बुरी नहीं है. लेकिन कुछ हरकतें मिराल की ऐसी हैं जो आगे जाके आएंगी, अभी तक तो कुछ नहीं किया उसने, आगे जाके जो करेगी वो हरकतों को मैं बुरा जरूर कहूंगी. लेकिन मिराल खुद इंसान बुरी नहीं है, वो अपने घर वालों से भी बहुत प्यार करती है, अपने भाई से भी बहुत प्यार करती है. हाँ, मतलब ही जरूर है मिराल को, बस अपना मतलब पूरा करना है. तो कुछ हरकतें मिराल की बुरी है. और अनाया जो है वो अच्छी क्यों है ये भी दिखाया गया है, क्योंकि अनाया का जो ब्रॉटअप है, अनाया के जो माँ बाप है, जो तरबियत है, और मेरी जो तरबियत है, वो दोनों की वजह से उन दोनों की औलादें किस किस्म की है, वो भी दिखाया कि तरबियत बड़ा मैटर करती है. अच्छा, दोनों में वैसे कॉमन फैक्टर भी है अगर देखा जाए तो, कुछ सिमिलैरिटीज भी है इन द सेंस के मिराल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, और कोई बहन नहीं है उसकी, भाई है खाली. ऑन द अदर हैंड अनाया भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है. मिराल इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पैम्पर्ड स्पेशली बाय हर फादर, बहुत ज्यादा प्यार दिया और जो बात वो जबान से निकालती है वो पूरी की जाती है. अनाया ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो वेरी पैम्पर्ड ऑल्सो बाय हर फादर स्पेशली, जो बात वो भी कहती है उसको भी माना जाता है, बहुत कंसर्न है, ख्याल है, सब कुछ है. मिराल का somehow वो जो सारा प्यार था वो थोड़ा सा stubbornness या arrogance या spoiled brat की तरफ उसको ले गया, और अनाया को जो वो प्यार मिला, सब कुछ मिला, उसको उसने एक अलग रूप में एक्सप्रेस किया अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू. वुड यू ड्रॉ दैट पैरेलल एज वेल? आप अग्री करेंगी इस थ्योरी से या थीसिस से? मैं जरूर एग्री करूंगी. और मुझे लगता है कि लोगों को ये भी पता चलेगा कि प्यार किसी को देना चाहिए, उसमें ऑफ कोर्स आपकी औलाद है, आप उसे प्यार करेंगे, लेकिन प्यार करने का भी, देने का भी एक तरीका होता है. तो दोनों तरीके भी दिखा दिए, अच्छा तरीका और बुरा तरीका, कि माँ बाप, मेरे माँ बाप ने मुझे जो प्यार दिया वो किस किस्म का दिया जिसकी वजह से मिराल ऐसी बनी है. और जो अनाया के माँ बाप ने प्यार दिया वो जरूर उसे बहुत प्यार करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो प्यार मुख्तलिफ किस्म का है. तो दोनों की जो तरबियत है, दोनों के प्यार मिलने का जो तरीका है वो काफी अलग है. प्यार दोनों के माँ बाप बहुत करते हैं लेकिन मुख्तलिफ जरूर है. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब मैं यू नो बाय डिफॉल्ट मैं टीजर्स नहीं देखता और ना ही मैं वो जो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है वो पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे केस में ना मेकर्स को आदत होती है, दे गिव अवे टू मच ऑफ द स्टोरी प्रोमोज में और टीजर्स में और ट्रेलर्स में और उधर सब. मैं आई लाइक टू बी सरप्राइज, तो मैं एपिसोड देखता हूँ और उसके बाद जो एपिसोड के बाद फौरन बाद जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो होता है खाली वो देखता हूँ. तो हमें कुछ व्यूवर्स ने कॉमेंट में ये बोला है कि जो उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर है, ही विल प्ले योर थेरेपिस्ट. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, एंड आई डोंट नो इफ यू डिस्क्लोज्ड और रिवील्ड इट एनीवेयर और नॉट, बट इज दैट ट्रू और वुड यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, अब वो किसके थेरेपिस्ट होंगे ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन उस्मान का जो कैरेक्टर है वो एक थेरेपिस्ट का ही है, वो एक डॉक्टर है.
ठीक है, बट वो ये हमें किस अभी पॉइंट पर आएगा, क्यों आएगा, ये नहीं बता सकते ठीक है, हम। ये हमें अभी कॉन्फर्मेशन किसी तरह से ये क्लैरिटी नहीं है कि वो आप ही के डॉक्टर बन के आ रही है, ये तो हमें नहीं पता ना। हाँ ये वो डॉक्टर है, वो खुद डॉक्टर है, उनका काम जैसे मिराल जो है वो कुछ नहीं करती मिराल का भाई पढ़ता है, वैसे हसन का जो कैरेक्टर है वो एक डॉक्टर है। ठीक है, ओके, गॉट इट, समझ गए। जी अच्छा, अब ऑन एट इट्स कोर हाउ वुड यू डिफाइन सबात, मतलब किस जॉनरा में आप बोलेंगी, इज इट अ लव स्टोरी, इज इट यू नो, बिकॉज आगे चल के ऑब्वियसली आपने कहा कि जैसे अब एक उस्मान का कैरेक्टर की जब एंट्री होगी तो वो भी है, बट दूसरी तरफ एट द सेम टाइम देयर इज अनदर पैरेलल स्टोरी गोइंग ऑन व्हिच इज ऑफ हसन।